हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि जो 100 रुपये का रिचार्ज है वो 40 रुपये में कर सकते हो। तो फ्रेंड, बट सपोज आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो उसके लिए आपको सिर्फ 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। ऐसा मैंने थंबनेल में इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हर किसी के पास रेडमी का फ़ोन नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सपोज अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं बहुत ही यूनिक यूनिक वीडियो लाता हूं। अगर आपको बिलीव ना हो तो लास्ट 3-4 वीडियो आप देख सकते हो, उसके बाद आप सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहां पे टाइप करना है ST Help, देन एंटर करना है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर STHelping.com आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड सबसे ऊपर आपको शो हो रहा है जियो ऑफर नाउ रिचार्ज ₹100 ओनली इन 40, मतलब कि 40 रुपये 100 का रिचार्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस में है, यहाँ पर दिया गया है प्रोसेस फॉर न्यू यूज़र और फॉर ओल्ड यूज़र। तो फ्रेंड सपोज कोई ओल्ड यूज़र है तो उसको भी न्यू यूज़र में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आपके पास रेडमी का मोबाइल होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि न्यू यूज़र को करना क्या है। तो फ्रेंड कुछ भी प्रोसेस नहीं है, चौथे नंबर में एक प्रोमो कोड दिया गया है, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है। तो मैंने प्रेस एंड होल्ड करके कॉपी कर लिया। अब क्या करना है फ्रेंड, सबसे ऊपर पहले नंबर में दिया गया है डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री चार्ज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा अगर आप न्यू यूजर होगे तो, क्योंकि मैं ओल्ड यूज़र हूँ, ऑलरेडी मेरे पास फ्री चार्ज का एप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो सपोज अगर आप ओल्ड यूज़र हैं तो न्यू यूज़र में आप कन्वर्ट कैसे होगे पहले मैं वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है। अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तब आप ऐसा कर सकते हो। तो सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पर सेकेंड स्पेस का ऑप्शन आता है, सेकेंड स्पेस पर क्लिक करके आप सेकेंड स्पेस क्रिएट कर लोगे और वहाँ पे चले आओगे। तो फ्रेंड जब आप सेकेंड स्पेस क्रिएट इसलिए करोगे कि आपका जस्ट लाइक एक न्यू मोबाइल फ़ोन होगा, ये 100% है कि आपके पास डबल नंबर होगा ही होगा। तो फ्रेंड आप इस तरह से सेकेंड स्पेस में आके आपको करना क्या है, जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया था सेम प्रोसेस करोगे, पहले चौथे नंबर का इसको कॉपी कर लोगे, देन डाउनलोड पर क्लिक करोगे। तो फ्रेंड देख सकते हो कि मैंने डाउनलोड पे, मैं ऑलरेडी ओल्ड यूज़र हूँ, तो अब ओल्ड यूज़र को क्या करना है इसी तरह। तो फ्रेंड्स मैं ओल्ड यूज़र हूँ तो आप ओल्ड यूज़र को क्या करना है वो भी देख लो, बट मैं लाइव दिखा देता हूँ कि पैसे आते हैं कि नहीं। तो मैं अपना फ्री चार्ज एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। फ्रेंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें अपडेट भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, KYC आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं अकाउंट पे क्लिक कर दे रहा हूँ सबसे पहले, ताकि आप मेरा ट्रांजेक्शन देख सको। मैं उसके बाद माई ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लास्ट ट्रांजेक्शन है 9 नवंबर का है और मेरे में जो अवेलेबल बैलेंस है 280 रुपये है। तो फ्रेंड अब मैं रिचार्ज करके आपको बताता हूँ कि पैसे मिलता है कि नहीं, अब कितने का रिचार्ज करना है वो। फ्रेंड आप देख सकते हो मैंने एंटर कर दिया है मोबाइल नंबर, अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है हैव ए प्रोमो कोड, तो जो ओल्ड यूज़र है वो मैंने कॉपी उसको भी कर लिया है, वो यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ प्रेस एंड होल्ड करके। तो फ्रेंड देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो ओल्ड यूज़र है उनके लिए भी ये है ऑप्शन अवेलेबल है, जो 30 रुपये का रिचार्ज अगर सेलेक्ट करते हैं तो
तो उनको 30 रुपये का कैशबैक मिलेगा। बट मैंने 50 रुपये इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि जियो में 30 रुपये का रिचार्ज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बट अगर आपके पास एयरटेल का नंबर है तो आप 30 सेलेक्ट कर सकते हो और 0 रुपीज़ में 30 का रिचार्ज कर सकते हो। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया है कि हैज़ बीन अप्लाइड सक्सेसफुली, प्रोसेस टू पे नाउ टू गेट फ्लैट ₹30 कैश बैक। तो मैं यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पे 50 यूजिंग बैलेंस, तो मैं, मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है सो मैं पे कर रहा हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिचार्ज सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है और ऊपर भी मैसेज देख सकते हो कि कैशबैक भी आ गया है 30 रुपये का। बट मैं फिर भी एक बार अकाउंट में जाके आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि मैंने 50 रुपये का पहले रिचार्ज किया और 30 रुपये कैशबैक भी आ गया है। फ्रेंड आप यहाँ पे देख लो नीचे कि मैंने 50 का यहाँ पे रिचार्ज किया है और 30 रुपये कैशबैक मिल गया। सपोज अगर आप 30 का रिचार्ज करते तो 30 रुपये कैशबैक मिल जाता, दैट मीन आप 0 रुपीज़ में रिचार्ज कर लेते। तो फ्रेंड आपको प्रूफ भी मिल गया है कि ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो एज ए न्यू यूज़र आप यूज़ करोगे और अब मैं बता देता हूँ कि टोटल रुपीज़ आपको कितना रुपये मिलेगा। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम साइनअप करोगे तो 30 रुपये का रिचार्ज अगर आप करते हो तो 30 फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो ओल्ड यूज़र आप बन जाओगे तो फिर से 30 का रिचार्ज करोगे तो 60 रुपये मिल जाएगा। अब मैं बताया था आपको कि रेडमी का फ़ोन है तो आपको 90 रुपये कैसे मिलेंगे, मैं वो बता देता हूँ। अगर सपोज़ ओल्ड यूज़र है तो अपने ही कोड को वहाँ पे यूज़ कर लेना तो आपको 30 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, दैट मीन 90 रुपये टोटल आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।